Hello everybody, this is Pranav Angikar. Hello everyone, this is Dr. Tarun Tamankar. And we are here for our 100 days, 100 push-up challenge. So finally, we are creating this very first podcast to share our 100 days, 100 push-up challenge ka journey. What were the ups, what were the downs, what was the learning factors, everything which we are going to discuss in this podcast. But before that, we should congratulate ourselves that humne ye complete kiye. So three cheers for us. So yes, it was difficult in the beginning, even for a person like me to stretch till 100 push-up. क्योंकि सगळ्यात मजा गोष्ट ही होती की आपल्याला 100 दिवस हा चॅलेंज करायचा आहे. दॅट्स इट. सो ते म्हणतात ना, प्रॅक्टिस मेक्स प्रोग्रेस. त्याचं एक एक्झाम्पल आम्हाला सेट करता आलं, त्याचा आम्हाला एक एक्सपिरियन्स घेता आला. आणि फर्स्ट 20 डेज पूर्ण झाल्यावरती आम्ही एक छोटासा व्हिडिओ पण केला होता की आम्ही तुम आमचे थोडेसे एक्सपिरियन्सेस शेअर केले होते. अँड देन नेक्स्ट 20 डेज वॉज मोर चॅलेंजिंग फॉर अस, राईट? सो उसके बाद थिंग्स गॉट्स इजियर. लेकिन एक दिमाग में ऐसा होता था कि नहीं अभी 100 करने हैं. सो एक जो मेंटल बोलते हैं ना कि दिमाग में ऐसा लगता था कि नहीं अभी एक पार चढ़ने के पहले का जो सिचुएशन होता है, तो वैसा सिचुएशन डेफिनेटली था. तो लेकिन वो पीछ जाता था आफ्टर 21st सेट के बाद. यूजली हम लोग, हमने जब ये अभी शुरू किया था तो हम लोग 25 या 20 के 5 सेट करते थे. बाद में हमने 35 के 3 सेट करना शुरू किया. तो फर्स्ट सेट के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, तो इजीली होने लगता था. एंड जब हम लोग लाइक 68 डे 78 डे में पहुंचे तो हम लोग 50-50 के डो करने लग गए थे. सो 50-50 के डो करने में भी मतलब उस टाइम पे और इजी होने लगा था. उस टाइम पे एक्चुअली मैं ग्रीस गई थी और ग्रीस में भी मैं डेली मैंने वो पुशअप्स कर पाई एंड अपडेट किया. सो दैट इज़ लाइक मुझे मेरे लिए बहुत. यूजली हम लोग हॉलीडे में जाते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन तब मैं कंप्लीट कर पाई जस्ट बिकॉज ही वी हैड कमिटेड टू इट कि हाँ हम लोग ये करेंगे. आई रियली वांट टू हाईलाइट दिस थिंग दैट वी वर एक्चुअली थिंकिंग व्हेन शी वाज टेलिंग मी दैट दे आर गोइंग फॉर अ ग्रीस एंड इन बिटवीन आवर चैलेंज व्हाट थिंग्स हाउ वी विल बी मैनेजिंग. इनिशियली वी वर इन टेंस मोड, अरे बापरे आता चॅलेंज आला आहे, घ्यायचं आहे, कसं करायचं, कैसे करने का. देन शी केम अप विथ द आयडिया की आय विल डू पुशअप्स ओवर देअर, आय विल सेंड यू द व्हिडिओ ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल अँड यू जस्ट डू युअर पुशअप हिअर अँड जस्ट पुट इट ऑन. सो दॅट वे इट स्टार्टेड. बहुत खुरापत करनी पडी असलेली आहे. डबल एडिटिंग करो व्हिडिओ का, व्हिडिओ पोस्ट करो. और बट इट वॉज रिअली अप्रिशिएटेड टू डॉक्टर तनुजा. आय रिअली हॅट्स ऑफ टू हर. हॉलिडे पे जाने के बाद पुशअप्स कर रहे हो, धन्य हो आप माते. और वो रियली इट इज कमांडेबल थिंग फॉर मी. आई वॉज हियर ओनली टेकिंग सेशंस, डूइंग थिंग्स. सो फॉर मी इट वॉज इजी. ऑफकोर्स आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट हर एफर्ट्स. एंड देन आवर नेक्स्ट जर्नी स्टार्टेड आफ्टर 50 के बाद. हाफ सेंचुरी होने के बाद एक छोटा सा हमने सेलिब्रेशन किया कि बाबा हमने हाफ सेंचुरी किया है. बट द डिफिकल्ट पार्ट स्टार्टेड आफ्टर 50th डे क्योंकि वी हैव रीच दैट हाफ ऑफ द चैलेंज. इट वॉज नेवर गो बैक. वी कैन नॉट टर्न बैक एंड नहीं बस हो गया यार, नहीं हो रहा है अभी हमसे. वी कैन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज. और वी हैव टू गो अहेड, वी हैव टू गो अहेड एंड वी हैव टू गो अहेड. एंड ऐसे कर करके हमने जस्ट लाइक शी एक्सप्लेन इन द बिगिनिंग, 20-20 के सेट से हम 30-30 के सेट में पहुंचे. 30-30 के सेट में वी रीच्ड एट 40-40 के सेट. बट बिलीव मी दैट रिमेनिंग द लास्ट 20 काउंट वाला जो सेट रहता था, तीसरा वाला सेट, वो टाइम पे जो हालत खराब होती थी, दैट वॉज रियली डेंजरस. मतलब वो अभी भी आई कैन एक्सपीरियंस दैट स्ट्रेस ऑफ मसल्स, आई कैन एक्सपीरियंस दैट फटीग. सो हम दोनों एक दूसरे को कैसे मोटिवेट करते थे, कम ऑन पुश योरसेल्फ. मतलब दैट शॉर्ट्स में हम लोगों ने ये ऑडियोज नहीं रखे थे ऑब्वियसली हमारे. सो 5-7 मिनट जो कम लगते थे हमें 100 पुशअप करने के, दैट वॉज रियली चैलेंजिंग एट लास्ट सेट. लास्ट सेट में बहुत मजा आता था. सो हमने एक चीज़ का ध्यान रखा, चाहे वो मॉर्निंग रहे, चाहे वो आफ्टरनून रहे, चाहे वो संडे रहे या कोई बीच में का हॉलीडे रहे, हम दोनों को पुशअप्स करना ही है. सो वी प्रॉमिस आर सेल्फ एंड वी कुड क्रॉस 60th और 70th डे. 70 दिन के बाद जो मज़ा आ रहा था,
जो लोगों के अप्रिसिएशन मिल रहे थे, मतलब ऑफ कोर्स लोग कमेंट नहीं कर रहे थे, लोग जहाँ पे भी मिल रहे कि अरे आई सॉ योर वीडियो, 100 पुशअप्स यू आर डूइंग, इट्स रियली ग्रेट. सो वी स्टार्टेड रिसीविंग दिस एक्चुअल कमेंट्स व्हेन वी आर मीटिंग पीपल फेस टू फेस. एंड आई थिंक यू गॉट वन एक्सपीरियंस आल्सो विद योर क्लाइंट. हां, सो उस टाइम पे जब लाइक लेटर हाफ जब चल रहा था, उस टाइम पे आपने मुझको खुद का ये लग रहा था कि हाँ पावर बढ़ रही है. उसका मुझे एक्सपीरियंस कब आया कि यूजुअली मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और हमारा लेज़र का काम रहता है, क्योंकि 1-2 किलो का प्रोब हमको पूरा यूज़ करना पड़ता है, आधा घंटा वगैरह या फिर मे बी कम या ज़्यादा डिपेंडिंग कितना एरिया हम लोग कर रहे हैं. तो वो करते टाइम जब मुझे लगा कि पहले तो मुझे सच्ची में हाथ दुखने लगता था, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा समझ में आने लगा कि हाँ नहीं, नाउ द पावर इज इंक्रीज. सो वो इजीली होने लग गया था चीज़ें, मतलब उसमें तकलीफ नहीं होती थी. सो डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ बढ़ती भी अपने को महसूस होती है. आई कैन नॉट शो यू दैट माई स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, बट अपने डे टू डे काम में जब हम लोग जब करते हैं तो हमको तब समझ में आता है कि हमारी स्ट्रेंथ कब बढ़ रही है. सो डेफिनेटली वो एक लेटर हाफ में डेफिनेटली अपने को स्ट्रेंथ दिख रही थी कि हाँ बढ़ चुकी है. सबसे मजे आने शुरू हो गए हमारे लास्ट हाफ में. लास्ट हाफ मतलब 80s क्रॉस करे हमने एंड थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग. व्हाई? बिकॉज़ वी हैव रीच्ड एट 50 काउंट का मेजर आई गेस, है ना. 50 काउंट हम लोग वन गो में करना शुरू कर चुके थे. शी वाज ऑन द फ्लोर एंड आई वाज ऑन अ स्टैंड. वो स्टैंड पे करने का पर्पस इनिशियल स्टेज में ये था कि आई वाज हैविंग लिटिल गैंग्लियन इन माय राइट फिस्ट. बट when we are discussing this challenge, she suggested that अरे तू एक काम कर, तू stand पे करना push-up चालू कर दे, that would be easier. So of course it's not easier, let me clear that thing. It was hell difficult because your shoulders are going to go down below that handle, right? So it used to put lot of stress on my shoulder and chest. But yes, challenge तो करना था भाई, compulsory. तो it was great journey, क्योंकि 80 दिन के बाद जो 81 वाला day था, you can go back to that video, you can see our suffering. 81 दिन में जो suffering हमने feel करा, वो वाला amazing था, क्योंकि we could feel that stress, we could feel that energy, we could feel that confidence, everything started coming together. सब चीज़ें एक साथ आना शुरू हो गई थी, because we have to complete the challenge and it was easier till first two sets. Third set is killing again. So every time when we were trying for third set, it is putting us on a edge ki papa nahi yaar nahi ho raha hai abhi nahi ho raha hai yaar, I have to push. So we were trying to encourage each other again and again. And just like she said, one of her client was there and she saw her, I guess, Instagram ka reel or WhatsApp status. At that time we realized ki people are watching, and we were like yaar yaar comment nahi kar raha koi, like bhi nahi kar raha koi. हमने चैलेंज शुरू तो करा है मोटिवेट करने के लिए दूसरे लोगों को, बट हो क्यों नहीं रहा है. एंड लिटरली दैट टाइम यू वर थिंकिंग अरे यार खाली फालतू में चालू किया चैलेंज, व्हाई वी आर डूइंग दिस, कशाला करते हो आपण, कोणाला काही फरक पडत नाही. बट ऑफकोर्स ऑन द अदर साइड इट वॉज फॉर अस, हम दोनों के लिए ही था वो. एंड वी कुड फील दैट स्ट्रेंथ आफ्टर 100 डे. आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस पॉइंट दैट इनिशियली शी वॉज डूइंग ऑन नीज, 20-20 के 5 सेट करते थे. But later on, till after 80th day, she could able to complete her regular push-up without dropping her knees nicely. So if you want to go for, I always tell this to every person who is doing workout, do 40 wall push-ups. If you are able to do 40 wall push-ups, then you can do knee push-ups 40, 10 count. Agar aapke 40 knee push-ups ho rahe, then you can do modified leg push-ups 10 count easily. If you are able to do 40 modified leg push-ups easily, then you can definitely do 10 push-ups easily. So write it down if you want to. You can start with this scenario or this set. Right. एक चीज़ मैं ये करना चाहती हूँ कि बीच बीच में ऐसा नहीं है कि एवरी डे बहुत मन करता था कि हाँ रोज पुशअप करो, तो बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स आए जब ऐसा लगा कि नहीं यार आज नहीं करना है. और बट उसको कैसे दैट वॉज मोर फिजिकल की जगह मेंटल होता था कि नहीं आज मन नहीं कर रहा, आज ये पेट दुख रहा है या हाथ दुख रहा है या फीवरिश जैसा लग रहा है, ऐसे बहुत बार मोमेंट्स आए हैं. बट उनको ओवरकम करके कैसे हम लोग ने वो कंप्लीट किया, दैट इज़ रियली कमिटमेंट. एंड वो मुझे एक लगता है कि
बहुत सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो बहुत बार मोमेंट्स आते हैं कि हम लोग को ये चीज़ मैं डेफिनेटली सीखी हूँ इस चीज़ से कि बहुत बार मोमेंट्स आते हैं कि ऐसे लगता है कि नहीं अब बस हो गया, अब नहीं करना है, लेकिन उस मोमेंट को कैसे हम लोग खुद के ही दिमाग से हम लोग उसको ओवरकम करके कर पाए, तो वो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा है कि मोर देन स्ट्रेंथ मोर देन एनीथिंग कि हर चीज़ करनी है. करेक्ट. आई थिंक आई यू शुड टेल दैट स्टोरी ऑफ योर यू गॉट एक्सीडेंट विद योर टू व्हीलर एंड दैट टाइम व्हाट वाज द चैलेंजिंग पार्ट. सो बीच में ही एक बार हुआ था कि वो स्कूटर से जाते टाइम जरा एक हाथ में प्रेशर आया था तो इधर के इसमें चोट लग मोच आ गई थी, तो उस दो तीन दिन मैं नहीं कर पाई थी एंड आई विजिटेड ऑर्थोपेडिशियन, तो उसने मुझे बोला था कि एक महीने का रेस्ट लो, लेकिन somehow मुझे लगा कि नहीं हो जाएगा विल पावर. और मैं डॉक्टर को बोलती हूँ कि हाँ हाँ मैं अभी नहीं कुछ करूँगी. स्पेशली वो डॉक्टर मेरा फ्रेंड ही थे, सो उनको बोला मैंने, उनको आश्वासन दिया कि नहीं मैं अब इसके आगे पुशअप्स वगैरह नहीं करने वाली, कुछ एक्टिविटी नहीं करने वाली. नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड डूइंग और कुछ तकलीफ नहीं हुई, टचवुड कुछ तकलीफ नहीं हुई एंड आई कुड कंप्लीट द 100 डे जो हम लोग ने सबके साथ में किया था. तो वो सिर्फ दिखा था नहीं यार 100 डे तो करना ही है, अभी बीच में दो तीन दिन गैप नहीं लिया कोई बात नहीं, बट वो 100 डे का जो प्रोग्राम रखा है वो उसमें करना है. सो और उसको करने के लिए पहले से थोड़ी सी तैयारी होनी चाहिए, तो इसलिए आई कुड लाइक 3-4 दिन के गैप के बाद आई कुड 3 days only I guess, if I'm not wrong. 3 days का ही सिर्फ gap हुआ. और and that I compensated after the push-up. So वो 3 दिन मैं नहीं कर पाई थी तो मैंने 101, 102, 103 दिन आगे के भी. जिसका हमने video unfortunately post नहीं किया because we have completed our challenge, right? So ऐसे ups and downs में हमने journey चालू किया. Even in between I guess I went to Dapoli for picnic. तो वहाँ पे जो experience था, right now we are in Pune and हमारा यहाँ पे करने का जो एक मजा था वो अलग था. बट आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस पॉइंट, वेन यू आर इन अ बीच साइड वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहता है राइट, एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई आई एम गेटिंग लाइक ड्रेन्ड आउट सो इजीली. 50 push-ups वॉज ईजी ओवर देयर वेन आई वॉज डूइंग, बट लेटर हाफ में सेकेंड हाफ 50 push-ups का मुझसे हो नहीं रहा था. आई वॉज लूजिंग माई ब्रेथ, मुझे थोड़ा थकान महसूस हो रहा था फर्स्ट टाइम. एंड इस सबसे इम्पोर्टेंट बात मतलब करना तो है भाई, उसको कोई चॉइस नहीं है, वो तो करना ही है. आई कुड सेंस दैट कि व्हेन यू चेंज द प्लेस इट इज़ गोइंग टू पुट स्ट्रेस ऑन योर बॉडी. इवन ऑन सेकेंड डे आई वेंट टू बीच, तो वहाँ पे जाके मैंने जब पुशअप्स ट्राई करा सो आई कुड गो फॉर 40-40 का 2 सेट एंड लास्ट में मैंने 20 का आगे से पुशअप्स का सेट करा था. सो यस, व्हेन यू चेंज द लोकेशन गो लिटिल ईजी ऑन यू, मतलब ये नहीं कि 100 push-ups एकदम में करने का, इट्स ओके. You are completing the challenge. That is the most important thing. That is what we have to follow. So unfortunately, वो time पे थोड़ा सा अपने मुझे एक चीज बतानी है कि वो push-up का खत्म हुआ and then he went for Ladakh के trip में and I'm pretty sure कि अगर वो push-up का challenge खत्म नहीं हुआ होता he would have done in Ladakh also and he could have like हो जाता because that time 100 day तक पहुँचने पर will power इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कैसी भी कंडीशन हो यू विल बी डूइंग दैट. सो डेफिनेटली अगर 100 डे हमारा खत्म नहीं होता ना पक्का वो लद्दाख में भी हो जाता. वैसे अगर होता ना सिचुएशन तो मैं लद्दाख को जाता ही नहीं, बट यस प्लान वाज रिटन बाय गॉड, उन्होंने लिख के रखा था कि ये डेट पे तेरा खत्म होएगा, ये डेट पे तेरा पोस्ट होएगा 100 डेज का और ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यू विल बी फ्लाइंग फॉर लद्दाख. सो प्रणव मैं एक चीज पूछना चाहती हूं कि ओनली वन थिंग in pure 100 days mein what you learned that is important in 100 days ki think properly and then okay very very difficult question to answer because there are so many things which we have learned in this entire journey but one most important thing I must highlight is patience. That is what I have learned over here because there will be hundreds of difficulties you might face, there will be hundreds of issues you might have, किसी के साथ झगड़ा हो गया, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, गाड़ी से जाते समय कुछ तो हो गया, टायर पंक्चर हो गया, ये हो गया, हमका ढमका फलन हो गया. उसके बाद आपको यहाँ पे आपके आके पुशअप्स कंप्लीट करना है, ये जस्ट थॉट दिमाग में रहता था. एंड पेशेंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. आई विल नॉट से आई एम अ पेशेंट गाय, आई एम वेरी इम्पेशेंट गाय, बट आई मस्ट से कि पेशेंस बढ़ाना इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पे समझ में आया.
और मैं एक चीज सेम क्वेश्चन टू यू हाउ आई विल आंसर दैट बट उससे पहले मैं एक क्रेडिट देना चाहती हूं कि 100 डेज के जो भी एडिटिंग का काम था या फिर जो भी किया सो एवरीथिंग ही डिड आई डिडंट डू एनीथिंग इन दैट शाबाश की तो दो फॉर दैट एंड बट उसमें चिड़चिड़ होता था कि अरे सिर्फ हमेशा मैं ही क्यों करूं उधर ठीक है बट स्टिल ही डिड एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट थैंक यू सो मच बट वहां पे भी लर्निंग प्रोसेस था लाइक आई सेड कि देयर वर मेनी फैक्टर्स व्हिच वी हैव लर्न एडिटिंग आई कुड लर्न ऑन द वेरी नेक्स्ट टाइम आई थिंक दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स यू कुड यू लर्न एडिटिंग पार्ट मीनवाइल ये था कि फोन कौन सा चाहिए तो आईफोन भी आ गया उसमें बीच में सो एंड यस यू सपोज टू आंसर व्हाट इज योर वन हाईलाइटेड व्हाट आई लर्नड वन हाईलाइटेड वाज दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड व्हिच इट रियली टॉट मी कि कुछ भी हो जाए करना है तो करना सो इफ यू हैव थॉट कि ये करना है सो वो करना सो और एंड अगर मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मुझे लगता है कि मोर देन योर बॉडी योर माइंड टेल्स यू नॉट टू डू थिंग्स सो वो जो माइंड को कैसे करवाना है माइंड तो सिर्फ बोलता है कि हाँ करो तो बॉडी ऑटोमेटिकली करती है सो अपने को माइंड को ही पहले ट्रेन करना है तो नेवर गिव अप एटीट्यूड जो अभी डेवलप हुआ है इसकी वजह से वो आई थिंक So yes, thank you so much for joining and to audience of course we have different plans now 2024 almost 6 महीने 7 महीने complete हो गए अभी 8वां महीना चालू हो गया for remaining 30 days 2024 के we have 24 days का challenge so stay tuned we are coming with amazing challenge which anybody can do and yes one thing I want to tell that 100 push-ups करना actually में बहुत बड़ी बात नहीं है but 100 push-ups, 100 days करना is definitely a difficult task. क्योंकि patience लगता है भाई बहुत वहाँ पे खूब थांबावं लगता आपल्याला सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवून जेव्हा आपण उभं राहतो की नाही आम्हाला 100 push-ups करायचे तेव्हा खरी मजा आहे सो पेशन्स इज द की ऑफ प्रोग्रेस असं पण म्हणता येऊ शकेल आपल्याला प्रॅक्टिस तर डेफिनेटली सगळे करतो बट येस स्टे ट्यून विथ अस वी आर कमिंग विथ डिफरंट चॅलेंज विच एनीबडी कॅन डू अँड मेन पर्पज ऑफ हॅविंग दिस चॅलेंज इज टू इम्प्रूव्ह अवर सेल्फ फिजिकली मेंटली अँड स्पिरिच्युअली हाऊ स्पिरिच्युअली हाऊ मेंटली हाऊ फिजिकली दॅट यू हॅव टू एक्सपिरियन्स अँड इफ यू वॉन्ट एनी मोर सपोर्ट प्लीज स्टे कनेक्टेड वी आर देअर फॉर यू यू आर देअर फॉर अस बिकॉज ऑफ यू वी आर देअर थँक यू सो मच एव्हरीबडी फॉर युअर पेशन्स अँड युअर टाईम तुमच्या सगळ्यांमुळेच आम्हाला एक एनर्जी येते एक शक्ती येते की काहीतरी आपल्याला करायला पाहिजे काहीतरी दाखवायला पाहिजे काहीतरी आपल्यामध्ये डेव्हलपमेंट करायला पाहिजे प्लीज डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब सरकार प्राईज चलो बाय प्लीज सबस्क्राईब करू ना मुझे